हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। इस वीडियो में हम ड्रीम कैसे बनाना सीखेंगे। ड्रीम कैसे के लिए हमें मटेरियल चाहिए, न्यूज़पेपर, फेविकॉल, सीजर्स, थ्रेड, वूल। सबसे पहले हम एक न्यूज़पेपर लेंगे और पेन की रिबन। पेन की रिफिल की हेल्प से हम इसको रोल करेंगे। थोड़ा सा रोल करने के बाद हम वो पेन की रिफिल निकाल देंगे और फिर हैंड से ही इसको रोल करेंगे। हमें इसको जब तक रोल करना है जब तक इस न्यूज़पेपर का एंड नहीं आ जाता। यहाँ पे मैंने वन ही पेज लिया था, सिंगल पेज न्यूज़पेपर का। अगर आपको बड़ा बनाना है तो आप डबल पेज भी ले सकते हैं। अब हम इसको यहाँ फेविकॉल की हेल्प से पेस्ट कर देंगे। अब इसका हम दोनों एंड को कट कर देंगे। और अब फिंगर्स की हेल्प से इसको प्रेस करेंगे और स्ट्रेट कर देंगे। ये हमारा रेडी है। अब हम एक बाउल लेंगे और बाउल की हेल्प से हम इसको सर्कल की शेप देंगे। हम बाउल की जगह कुछ और भी यूज कर सकते हैं। बाउल से इजीली हो जाएगा इसलिए मैंने यहाँ पे बाउल लिया है। अब हम यहाँ फेविकोल लगा के इसको पेस्ट कर देंगे। अभी हमारा पेस्ट हो गया और इसकी शेप बिल्कुल सर्कल जैसी आई है। अब हम कलरफुल स्ट्रिप्स लेंगे और इसको फेविकोल लगा के जो हमने सर्कल बनाया था उसके ऊपर पेस्ट करेंगे। आप किसी भी कलर की स्ट्रिप ले सकते हैं। हम इस पूरे सर्कल पे ऐसे ही स्ट्रिप्स लगा देंगे। हमारा भी सर्कल पूरा कलरफुल स्ट्रिप्स से हमने रोल कर दिया। अब हम वूल लेंगे और उसको फिंगर्स पे रोल करके उसको हम बॉल की शेप में या कैसे भी उसको बांधना है हमें। इसको ऐसे बांधने के बाद अब हम इसका एंड लेंगे। इसके एंड को हम उस सर्कल पे टाई करेंगे। हमें यहाँ पे डबल नॉट लगानी है। यहाँ पे हमने डबल नॉट लगा दी। अब हम इसके अंदर का डिजाइन बनाएंगे। अंदर का डिजाइन बनाने के लिए हमें ये वूल को पहले नीचे लेके जाना है और उसको ऊपर वाली साइड निकाल के लाना है। फिर यहाँ पे जो लाइन है हमें इसको इसके अंदर से निकालना है। ऐसे
निकालने के बाद ये ऐसे बन जाएगा और जो हमने नोट लगाई थी उसको अंदर वाली साइड कर दो अगर वो बाहर है तो। फर्स्ट लाइन में हमें सेम ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। हमारी फर्स्ट लाइन कंप्लीट हो गई और उसकी शेप कुछ ऐसी आई है अंदर की डिजाइन की। अब हम नेक्स्ट लाइन में इसको ये जो हमारी लाइंस बनी थी इसके अंदर से निकालेंगे और ऊपर वाली साइड लेके आएंगे। जो हम इसके अंदर से वून निकालनी है वो हमें ऊपर वाली साइड लेके आनी, नीचे नहीं लेके जानी। पर शेप ऐसी बनेगी और आगे जो शेप्स बनेंगी वो कुछ ट्राइंगल जैसी दिखेंगी। हमें सेकंड में ये वाले स्टेप्स फॉलो करने हैं। ये देखो ये कुछ ट्राइंगल जैसी दिख रही है। अब ये जो हमें लास्ट है जो हमने इसका फर्स्ट शेप बनाई थी सेकंड रो में उसके अंदर से निकाल के ऊपर वाली साइड लेके आएंगे और आगे भी हमें वैसे ही चलना है। जो हमने ये ट्राइंगल की शेप आई है इसके अंदर से निकाल के ऊपर लेके आएंगे। थर्ड रो में ये सेम स्टेप्स फॉलो होंगे और लास्ट तक ये स्टेप्स चलेंगे। निकाल के ऊपर वाली साइड लेके आना। जितनी रोज बनती जाएंगी उतनी ट्राइंगल की शेप छोटी होती जाएगी। अब यहाँ से मैं इसको कट करके दूसरा कलर ऐड करूँगी। आप इसी कलर के साथ भी चल सकते हैं। दूसरा कलर मैंने इसके लिए क्योंकि कलरफुल चीज़ें अच्छी लगती हैं। अब मैं यहाँ पे येलो कलर के साथ इसको टाई कर दूँगी। येलो कलर लगाने के बाद भी वही सेम स्टेप फॉलो होंगे। जितना आप लास्ट बीच में इसके पॉइंट में पहुंचते जाएंगे उतना थोड़ा सा ये मुश्किल होएगा क्योंकि वो शेप थोड़ी छोटी होंगी और छोटी में से निकालना मुश्किल होता है। बस ये मुश्किल होएगा।
इसको नोट लगा लिए और इसको कट कर दिए इसका एक्स्ट्रा पार्ट। अब ये देखो हमारा डिज़ाइन कितना अच्छा बना है। अब हम 4 स्ट्रिप्स लेंगे फूल की सेम साइज की और उन स्ट्रिप्स को इसके ऊपर टाई कर देंगे। यहाँ पे भी हमें डबल नोट लगानी है। और जो हम यहाँ दूसरी बोल की स्ट्रिप लगाएंगे वो इसके बिल्कुल सामने होगी। यहाँ पे हमें प्लस के साइन में इन्हें लगाना है। ऐसे लगाने के बाद प्लस के साइन में इसको ऊपर से टाई कर देंगे। ऊपर भी हम यहाँ डबल नोट लगाएंगे। डबल नोट लगाने के बाद जो इसका एक्स्ट्रा पार्ट बचा है हम उसको कट कर देंगे। अब हम थ्रेड लेंगे। और फेदर लेंगे। फेदर को हम थ्रेड पे टाई कर देंगे डबल नॉट लगा के। मैं इसमें 3 फेदर्स लगाऊंगी। अगर आप 3 से ज़्यादा लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। अब आप ये जो हमने बनाया था सर्कल उसको कहीं पे भी हैंग कर दो और जो फेदर्स हमने थ्रेड पे टाई किए थे उन्हें लो। अब हम उन्हें इस पे टाई करेंगे। यहाँ पे भी हम इसको डबल नॉट लगा के टाई करेंगे। ये मैंने यहाँ पे इसको टाई कर दिया। हम बाकी सारे भी ऐसे ही टाई करेंगे। सारे टाई करने के बाद देखो ये कितना अच्छा लग रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको कुछ भी जानना है और ये और कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। Thank you.